बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, पर दिन में दो बार दूध पिएंगे, वो भी ठंडाई वाला। और इस ठंडाई के अंदर ठंडी तासीर वाले वो इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं जो गर्मी के साथ फाइट करने में भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और इतना ही नहीं, होली के लिए मोस्ट फेवरेट ड्रिंक माना जाता है। तो आइए तैयार करते हैं ठंडाई मसाला, तो शुरू करें। ठंडाई बनाने के लिए सबसे पहले हम ठंडाई का मसाला तैयार कर लेते हैं। और ये मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप जितने बादाम, 1/4 कप जितने काजू और 1/4 कप जितने पिस्ताचे ले लिए हैं। ये पिस्ताचे रेगुलर वाले हैं, वो जो नमक वाले होते हैं वो नहीं है। उसी के साथ मैंने 2 टेबलस्पून जितने मगज के बीज ले लिए हैं। ये मगज बीज देख सकते हैं आप, ये कुछ इस तरह से है। और साथ ही में 1 टेबलस्पून जितने ये मेलन सीड्स ले लिए हैं। ये दोनों डिफरेंट चीजें होती है। कई बार मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि ये दोनों सेम ही होते हैं, बट ये सेम नहीं है होते हैं, ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। साथ ही में 1 टेबलस्पून जितने मैंने यहाँ पर खसखस ले लिए हैं, पोपी सीड्स जो होते हैं वो। उसी के साथ 2 टेबलस्पून जितनी मैंने ये सौंफ ले ली है। 10 से 12 यहाँ पर मैंने काली मिर्च ले ली हुई है और 10 से 12 इलायची ले ली है। उसी के साथ एक छोटा सा टुकड़ा मैंने जायफल का भी लिया हुआ है। उसी के साथ यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून जितने ड्राई रोज पेटल्स ले लिए हैं और साथ ही में 1/2 कप जितनी शुगर ले ली है। तो आइए ठंडाई का मसाला बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जो सौंफ है उसे और ये शुगर को एक बार मिक्सी से पीस के निकाल लेती हूँ। सौंफ और शुगर को मिक्सी से पीस कर मैंने पाउडर तो तैयार कर ही लिया है, पर फिर भी एक बार सेफ साइड के लिए मैं इसे सीव कर रही हूँ। छन्नी से एक बार मैं इसे छान रही हूँ। आइए अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो और हैं उन्हें एक बार हम हल्का सा रोस्ट और कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है और सबसे पहले मैं इसके अंदर ये जो बादाम है उन्हें डाल देती हूँ। इसे हल्का हल्का सा रोस्ट करना है। रोस्ट करने का रीज़न बस एक ही है कि इनके अंदर अगर कोई मॉइस्चर है तो वो निकल जाए। बादाम रोस्ट हो गए हैं तो उसी के साथ मैं यहाँ पर ये जो पिस्ताचियोज हैं मेरे पास वो डाल देती हूँ और उसी के साथ काजू है उन्हें भी डाल दिया है। बादाम और काजू तो रोस्ट हो ही गए हैं तो उसी के साथ यहाँ पर मैं ये जो पोपी सीड्स हैं वो डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ें रोस्ट करने का रीज़न बस एक ही होता है कि जो ये मसाला है, जो ये पाउडर तैयार करेंगे हम ठंडाई का, उसे हम स्टोर कर सकते हैं आराम से। 2 to 3 months के लिए इसे रख सकते हैं, तो इसी वजह से रोस्ट करना होता है, जिसकी वजह से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। खसखस के दाने भी यहाँ पर अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, तो इसी टाइम ये जो मेरे पास मेलन सीड्स हैं वो और उसी के साथ ये मगज के बीज, ये सारी चीज़ों को भी मैं एक बार रोस्ट कर लेती हूँ। ये सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो गई है तो इसी टाइम मैंने गैस को टर्न ऑफ कर दिया है और अब मैं इसके अंदर ये जो रोज़ पेटल्स है, जो गुलाब की पंखुड़ियाँ है वो भी डाल दी है और इसे एक बार अच्छे से ठंडा हो जाने देते हैं। उसके बाद हम इसे मिक्सी से पीस के इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से ठंडी हो गई है, आप इसके ड्राई होने की आवाज़ भी सुन सकते हैं। हमें इसको बिल्कुल ठंडा करके पीसना है। अगर आपने हल्का सा भी गर्म पीसा तो जो बादाम और काजू ये चीज़ें जो है वो अपना खुद का ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर देती है। तो इसे बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडा हो जाने के बाद पीसिए। और एक और चीज़, जब आप पीसते हैं पल्सिस में पीसिए। पल्सिस में यानी थोड़ा सा बंद किया, फिर ऑन किया, फिर बंद किया, फिर ऑन किया। अगर कांस्टेंट आप चलाएंगे मिक्सी तो ये सारी चीज़ों का ऑयल रिलीज हो जाएगा और ठंडाई का जो पाउडर है वो ड्राई नहीं रहेगा, ऑयली सा रहेगा, जिसकी वजह से वो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाएगा। उसमें एक गंदी सी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बहुत कम हो जाएगी। हम लॉन्ग टाइम के लिए इसे स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो ध्यान रखिए, इसे बिल्कुल ठंडा हो जाने दीजिएगा, उसके बाद इसे पीसना है हमें। मैंने इलायची के जो दाने हैं वो इस तरह से निकाल लिए थे तो मैं वो भी डाल रही हूँ और उसी के साथ 15-20 लीफ मैंने यहाँ पर ये केसर के लिए हुए हैं। साथ ही में जायफल का एक छोटा सा टुकड़ा है वो भी डाल रही हूँ मैं।
तो अब इन सारी चीजों को एक बार हम अच्छे से पीस लेते हैं। बादाम और काजू के मिक्सचर को मैंने पीस के पाउडर तो तैयार कर ही लिया है, तो अब इसे हम क्या करेंगे, हमने जो ये शुगर और सौंफ को पीस रखा था उसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि जो ये मसाला पीसा गया है उसके अंदर इलायची, रोज पेटल्स और जो केसर के धागे पीसे गए हैं उसकी वजह से ये इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ठंडाई का पाउडर तो तैयार ही हो गया है, तो जल्दी से इसको दूध के अंदर ऐड करते हैं और बना लेते हैं हमारी ठंडाई। सबसे पहले हम पाउडर को स्टोर कर लेंगे, हमारे ठंडाई के मसाले को, और उसके बाद हम बनाएंगे ठंडाई। तो यहाँ पर मैंने जो जार लिया है उसे बहुत ही अच्छे से वॉश कर रखा है और उसे अच्छे से ड्राई किया हुआ है। तो जब भी आप ये पाउडर स्टोर करें ध्यान रखिए ये जो जार है हमारा कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए, वरना जो पाउडर है वो ख़राब होने के 100% चांसेस हो जाते हैं। ठंडाई का पाउडर तो रेडी कर ही लिया है, तो आइए ठंडाई भी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दूध के अंदर ये 3 स्पून मैंने ठंडाई डाल रखी थी, 1/2 आवर के लिए मैंने इसको पाउडर को भिगो दिया था और अब इससे हम ठंडाई रेडी कर लेंगे। तो ये वाला ठंडाई वाला दूध तो मैं डाल देती हूँ मग में और थोड़ा सा दूध और ऐड कर लेते हैं इसमें। गार्निशिंग के लिए थोड़े से पिस्ता और डाल देते हैं इसके ऊपर और थोड़ा सा केसर का पानी है ये। तो लीजिए रेडी है हमारी ठंडाई और ठंडाई का पाउडर भी, तो बनाइए इसे और एंजॉय जरूर कीजिए।